कमंटी 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 कमंटी। अरे योगी जी, राहुल, लालू जी, पकड़ो मोदी जी को, पकड़ो, यहीं पे दबोच लो। यहाँ से इन्हें वापस मत जाने देना। ये कबड्डी के खेल में हमेशा अपना लोगों को हराते आए हैं, लेकिन आज अपनों को हारना नहीं है। पकड़ लो सब लोग इन्हें। अरे केजरीवाल, बेफालतू की बात करते हो, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो? दूर दूर खड़े पड़े हो और हमसे पकड़ने की बात कर रहे हो। अगर मोदी जी ने हमें छू लिया तो हम तो खेल से बाहर हो जाएंगे। अरे कबड्डी का तो खेल तुम जानते ही हो, अगर कोई किसी को छू कर चला आता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। कबड्डी 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 पकड़ सकते हो? पकड़ के दिखाओ मुझे, राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, पकड़ के दिखाओ मुझे। तुम सबको गेम से बाहर ना कर दिया, इस खेल से बाहर ना कर दिया तो कहना इस गांव में मुझसे अच्छा कबड्डी का खेल खेलना कोई नहीं जानता है। एक तो योगी जी, राहुल, इन मोदी जी को पकड़ते हुए डर बहुत लगता है। अगर अपना लोगों ने इन्हें पकड़ भी लिया, इनमें ताकत बहुत है। ये अपना सब लोगों को खींचकर अपने एरिया में चले जाएंगे और अपना लोग गेम हार जाएंगे। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। अगर सही तरीके से पकड़ोगे तो कैसे करके ये अपने एरिया में चले जाएंगे? इनको यहीं पर रोक के रखो। पकड़ो सब लोग, लाओ, मैं पकड़ता हूँ इनको आज। पहले आज कुछ भी हो जाए, ये कबड्डी का खेल तो मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, योगी जी, मैं पकड़ने को मना कर रहा हूँ। पकड़ो मुझे, पकड़ के दिखाओ, फिर देखता हूँ तुम मुझे अपने एरिया में कैसे रोक के रख पाते हो। तुम सब लोगों को खींच कर अपने एरिया में ना ले गया तो कहना। अरे अखिलेश, अपना लोग ऐसी दूर दूर खड़े रहो, मोदी जी के पास में मत जाओ। ये जो लोग राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, इनके पास इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी जी इन सब लोगों को छूकर चले जाएंगे और गेम से बाहर कर देंगे। इसीलिए अपना लोग दूर ही रहो, अपना लोग खेल में बने रहोगे। अरे सही कह रहे हो नीतीश कुमार जी, इन मोदी जी को ये रोक ही नहीं पाएंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। क्योंकि कबड्डी में मैंने आज तक जितना भी खेल देखा है मोदी जी का, इन्हें आज तक खेल में कोई रोक ही नहीं पाया है, हमेशा यही खेल को जीतते हुए आए हैं। नीतीश कुमार जी, अखिलेश, क्या तुम दूर खड़े खड़े बच जाओगे? मैंने तुमसे कहा कबड्डी के खेल में कोई मुझसे नहीं जीत सकता। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, तेजी से हाथ चलाओ, कैसे हल्के हल्के आरे को चला रहे हो? आरे को तेजी से खींचो, लकड़ी को सही तरीके से तुम काट ही नहीं पा रहे हो। देख रहे हो कितने लोग काम करवाने के लिए बैठे पड़े हैं। अरे अपना लोग ही अमित शाह जी का काम कर रहे हैं, और ये देखो कितने लोग, योगी जी, लालू जी, केजरीवाल, अखिलेश, सब लोग बैठे हुए हैं काम करवाने के लिए। अब एक काम फाइनल हो तो दूसरे का काम शुरू करें अपना। अरे बा मोदी जी, आप नीचे खड़े खड़े बातें करना जानते हैं? जरा ऊपर आकर इस आरे को चलाओ तो पता चले। नीचे खड़े खड़े आरे को चला रहे हो, नीचे खड़े होकर आरा चलाने में तो जरा सी मेहनत लगती है। मुझे आपने ऊपर चला दिया, यहाँ पर आरा चलाने में कितनी मेहनत लग रही है। आप ऊपर आके आरा चलाओगे तो पता चलेगा। अरे आपके साथ तो काम करके मैं बिल्कुल फंस गया, कारपेंटर का काम करना ही बंद करूंगा अब मैं। इस आरे से लकड़ी को काटने में बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई राहुल, मोदी जी, आपस में ही बातें करते रहोगे या हमारी भी सुनोगे? मैं अपनी लकड़ी की एक कुर्सी बनाने के लिए दे गया था, क्या हुआ लकड़ी की कुर्सी बनकर तैयार हुई? और मैं आपको लकड़ी भी दे गया था कुर्सी बनाने के लिए। अरे योगी जी, कौन सी लकड़ी आप हमें दे गए थे? ऐसी तो कोई लकड़ी नहीं दे गए थे आप कुर्सी बनाने के लिए, कब दे गए थे? राहुल तुम्हें याद आ रहा है, ये योगी जी कुर्सी बनाने के लिए क्या लकड़ी दे गए थे अपने पास? अरे मोदी जी भूल गए क्या, ये योगी जी दे नहीं गए थे लकड़ी। एक बार अपनों को खिचड़ी बनाना थी और गैस खत्म हो गई थी, तो अपनों ने चूल्हे में इन्हीं की लकड़ी जलाकर खिचड़ी को बनाया था। अरे सही कह रहे हो राहुल, खिचड़ी तो बहुत मजेदार थी जो इनकी लकड़ी को जलाकर बनाई थी, लेकिन अब ये कुर्सी बनाने के लिए वो लकड़ी दे गए थे, अब इन्हें कुर्सी कहाँ से दी जाएंगी? अरे मोदी जी, ये अमित शाह जी की जो लकड़ी काट रहे हैं अपना, इसी में से थोड़ी लकड़ी बचाकर इनकी कुर्सी बना देंगे। कौन सा अमित शाह जी को पता चलेगा थोड़ी सी लकड़ी कम हो जाएगी? अरे मोदी जी, मैं अपनी लकड़ी की खटिया बनने के लिए दे गया था, लकड़ी की खाट बनकर तैयार हो गई, दे दो मुझे। लालू जी, आपकी लकड़ी की खाट बनाई तो थी हमने, एक महीना पहले आप लकड़ी की खाट बनने के लिए दे गए थे, तभी हमने बनाकर रख दी थी। आज आ रहे हो एक महीना बाद, आप इतने दिन आप आए नहीं, हमने उस लकड़ी की घाट को बेच दिया। अरे केजरीवाल जी, आप कैसे आए बताइए? अरे केजरीवाल जी तो बात को बताएंगे वो कैसे आए, पहले ये बताओ मेरी लकड़ी की घाट को आपने किसके हाथ बेच दिया? अरे लालू जी, आपकी लकड़ी की घाट मैं ही खरीद के ले गया था मोदी जी से, अब लकड़ी की खाट टूट गई, इसीलिए मैं आया हूँ मोदी जी के पास। मोदी जी आपने कहा था लकड़ी की खाट बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये टूट गई, अब लकड़ी की खाट वापस करो, मैं नहीं खरीदूंगा आपकी लकड़ी की खाट। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बताओ राहुल, कौन से कंचे को कंचे से मारूं? मेरा मतलब मेरे हाथ में जो मार्बल बॉल है, कौन से मार्बल बॉल को मारूं? तुम जो सी मार्बल बॉल को मारने को कहोगे
उसी पे मारूंगा मैं। अपने इस गांव में कंचे का मुझसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मार्बल बॉल का खिलाड़ी मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तुम जिस वाली मार्बल बॉल को मुझसे यहाँ से मारने को कहोगे मैं मार दूंगा निशाना लगाकर। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, हम आपके तरह निशाना क्यों नहीं लगा पाते मार्बल बॉल पर? अरे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर हम आपसे कहते हैं कि लाल वाले मार्बल बॉल पे मारो तो आप लाल वाले मार्बल बॉल पर ही मार देती हो। पता नहीं आपका निशाना कितना पक्का है, बिल्कुल पक्का निशाना होता है आपका। मोदी जी ये सफेद वाली मार्बल बॉल जो रखी हुई है इसी पर मार कर दिखाओ आज मुझे। राहुल हम इन मार्बल बॉल के बहुत पक्के खिलाड़ी हैं, सफेद वाले मार्बल बॉल पर मारने को कह रहे हो तो लो अभी मारते हैं हम। मोदी जी आप भी बेफालतू की बड़ी बड़ी बातें करते हो, कल तो आपका निशाना चूक गया था, ध्यान करो। जब मैंने आपसे कहा था कि लाल वाली मार्बल बॉल पर मारो आप मार ही नहीं पाए थे कंचे पर। अरे लालू जी एकांत बार तो निशाना चूक ही जाता है, तुम तो किसी भी मार्बल बॉल को नहीं मार पाते, किसी भी कंचे पर अपने कंचे से नहीं मार पाते। मारो उंगली से लाल वाले कंचे को, मैं कहता हूँ आपसे मार कर दिखाओ। वो जो लास्ट में लाल वाला मार्बल बॉल रखा हुआ है, कंचा रखा हुआ है, उस पर मार कर दिखाओ। अरे मोदी जी अगर लालू जी नहीं मार पाते हम तो मार लेते हैं, मैं मार कर दिखाऊं। बोलो शर्त लगाओ मोदी जी, अभी मार कर दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैंने लाल वाले मार्बल बॉल पे मार दिया तो आपको अमित शाह जी की दुकान से 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट दिलवाना पड़ेगा, कह देता हूं। नहीं होगी जी, आपके साथ शर्त मैं नहीं लगाऊंगा। अगर इस गांव में मेरे बाद कोई कंचे का अच्छा खिलाड़ी है यानी कि मार्बल बॉल का, तो वो आप ही हो। आपके साथ सर तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, नहीं तो मैं 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तुमको दिलवाना पड़ जाएगा। अच्छा मोदी जी मुझे बताओ, मुझसे बताओ तुम कौन सा वाला कंचा मरवाना चाहती हो, कौन से वाले कंचे पर निशाना लगाकर मारूं? बताओ, मैं भी अच्छा खिलाड़ी हूं कंचे का। अरे जाओ केजरीवाल, तुमसे अच्छा तो खिलाड़ी मैं हूं कंचे का, पूछ लो मोदी जी से। देखो केजरीवाल अखिलेश आपस में तो लड़ो मत, तुम दोनों ही मार्बल बॉल के अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, लेकिन आपस में दोनों अच्छा खेल लेते हो। इस गांव में मार्बल बॉल का मुझसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है, मेरा मतलब कंचे का खिलाड़ी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।